नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे कुकिंग क्लासी चैनल में। आज मैं आपके लिए क्या आई हूँ, बच्चे चावलों से बनाए हम वेजिटेबल फ्राइड राइस। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बनाना इसे बहुत आसान होता है, बहुत ही झटपटे बन जाते हैं। तो चलते हैं वेजिटेबल पुलाव बनाने, ये भी बचे हुए चावलों से। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने ले लिया है यहाँ पे घी, आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे घी में बनाऊंगी, घी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे डाली है थोड़ी सी मूंगफली, इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये मूंगफली को मैं अच्छे से सेक लेती हूँ, जब तक तो इन पर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता तब तक हम इन्हें अच्छे से सेकेंगे मूंगफली को। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बन जाते हैं, और चावल हर किसी घर में बच ही जाते हैं, तो सोचते हैं क्या करें। आप इस तरह से पुलाव बनाओगे ना, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ही झटपट बन जाता है। इसे बनाने में 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है बस। तो यहाँ मूंगफली मेरी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो मैं अपनी मूंगफलियों को निकाल लेती हूँ। सारी मूंगफली मुझे अलग प्लेट बर्तन में किसी में निकाल लेंगे हम। जो कढ़ाई में घी है इसी में हम यहाँ पर डाल देंगे पनीर। तो मैंने पनीर को छोटे छोटे क्यूब में काट के डाला है। तो मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम पनीर, जिसको मैंने इस तरह छोटे छोटे क्यूब में काट के लिया है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो सारे पनीर को मैं यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लूंगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, मैं हल्का सा ही फ्राई करना है, थोड़ा सा बस इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए, इतना फ्राई हमें पनीर को करना है। तो पनीर को मैं लड़ते पलटती हूँ अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। यह प्रोसेस आप, मैं घी में कर रही हूँ, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल में भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं, लेकिन घी में ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कोशिश करें अगर आपके पास घी है तो आप इसे घी में ही बनाएं। तो यहाँ पे पनीर को मैं अलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लूँगी। आप देख सकते हैं पनीर का कलर चेंज हो रहा है हल्का हल्का, तो हमें इतना ही, पनीर को ज़्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का सा इसका गोल्डन कलर आ जाए इतना सेकना है। तो यहाँ पर पनीर पर आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर आ चुका है, तो पनीर को भी हम निकाल लेते हैं। तो पनीर को भी मैं निकाल लेती हूँ, तो बस थोड़ा प्रेस करते हुए निकालेंगे, पनीर में थोड़ा बहुत घी एक्स्ट्रा चला गया होगा वो निकल जाएगा। और इस घी को हमें निकालना नहीं है, इसी घी में हम और सब्जियां वहाँ के फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर डाल देती हूँ मैं जीरा, डाला मैंने उसका, डाल दी मैंने यहाँ पे प्याज। तो मैंने 2 प्याज को इस तरह लंबा लंबा काट के लिया है, आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं, मैंने यहाँ पर लंबा काटा है प्याज को। प्याज को मैं हल्का सा भूनूंगी, प्याज पर हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम प्याज को भूनेंगे, हल्का सा पिंक कलर आ जाए, ट्रांसपेरेंसी प्याज दिखने लगे, इतना हम प्याज को भून लेंगे। तो आप देख रहे हैं प्याज को हमने अच्छा सा भूना है, प्याज का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, ट्रांसपेरेंट भी दिखने लग गई है प्याज हमारी। तो प्याज को हमें इतना ही भूनना है। तो प्याज को हम भूनने के बाद उसमें डाल देंगे हम सब्जियाँ। तो उसके बाद डाल देती हूँ मैं यहाँ पर गाजर, मैंने यहाँ पर गाजर डाली है, मैंने यहाँ पर मटर डाली है। सब्जियाँ आप अपने अकॉर्डिंग जो आप खाना चाहते हो डाल सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, जो आपके पास नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हो। उसका डाली मैं शिमला मिर्च और गोभी, सारी सब्जियां मैंने डाल दी जो मेरे पास थी। तो सारी सब्जियों को मैंने बारीक काटा है, गोभी को मैंने पतला पतला लंबा काटा है। अब इसमें डाल देंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जिससे हमारी सब्जी जल्दी पक जाए। और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, दोनों चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला के अब हम इसे पकाएंगे। तो पहले हम सब्जियों को अच्छे से पका लेते हैं, क्योंकि चावल तो हमारे पहले से पके हुए हैं, तो चावलों को तो हमें पकाना नहीं है। तो मैं यहाँ पर ढक के सब्जी को पका लूँगी, 1 से 2 मिनट बाद चेक कर लेंगे हम अपनी सब्जी को। ढक दिया है, 1 से 2 मिनट हो गए, चेक कर लेते हैं सब्जियों ने, आप देख सकते कितना पानी छोड़ा मैंने, इसमें एक बूंद पानी भी नहीं डाला था। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ, चला लेती हूँ, चेक करती हूँ सब्जी हमारी पकी है कि नहीं। तो अभी तो अच्छी लगी नहीं है, पकी है, तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए और ढक के मैं इसे पका लूंगी। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, फिर से मैं चेक कर लेती हूँ अपनी सब्जी को। तो यहाँ पे अच्छे से मिला लेती हूँ मैं। तो सब्जी को हमें पका लेना है अच्छे से, गोभी हमारी अच्छे से पक चुकी है, मटर को भी मैं एक बार चेक कर लूंगी, जो गाजर तो बहुत जल्दी पक जाती है। सब्जियाँ हमारी अच्छे से पक चुकी हैं, दोनों चीज़ मैंने अच्छे से चेक कर ली है। तो थोड़े और चावल के साथ भी हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ इसमें चावल, जो मेरे बचे हुए चावल थे वो। इसमें मैंने लौंग वगैरह डाल के बनाया था, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, तो इसलिए लौंग डाल के बनाया था मैंने चावलों को। और मैं अच्छे से मिला लेती हूँ सारी सब्जियों के साथ चावलों को। तो अच्छे से हम मिला लेंगे, जिससे सारी सब्जियाँ मसाले वगैरह चावल में अच्छे से मिल जाएँ। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पनीर और मूंगफली, जो हमने फ्राइड करके रखे थे साइड में। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे, सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है, जैसे सारी चीज़ें अच्छे से मसाले के साथ चावल के साथ अच्छे से मिल जाएं।
और इसे हम पकाएंगे फिर से ढक के थोड़ी देर के लिए, जिससे हमारे चावल के साथ थोड़ी बहुत सब्जियां और पक जाएंगी। मैं देखो अच्छे से मिला लेती हूँ, तो मैंने यहाँ ढक दिया है, 2 से 3 मिनट बाद चेक कर लूंगी। तो 2 से 3 मिनट हो गए, मैं चेक कर लेती हूँ अब। तो यहाँ पे अब मैं इसे फिर से मिला लेती हूँ। सारी सब्जियां भी अच्छे से पक चुकी हैं हमारी, और चावल भी हमारे अच्छे से थोड़े गर्म हो गए, सेट हो गए। तो बस यहाँ पे मेरे ये बन के हो गए वेजिटेबल पुलाव बचे हुए चावलों से। तो आप इस तरह से एक बार ना बना के जरूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसमें डाल दूंगी मैं धनिया पत्ता बारीक चॉप किया हुआ, और इसमें हमें कुछ नहीं डालना, धनिया पत्ते को भी अच्छे से मिला लेते हैं। धनिया पत्ते को भी मैं अच्छे से मिला लेना है। सारी चीज़ें मैंने इसमें अच्छे से मिला ली, चलते से सर्व करने। मैंने इसे सब किया है दही और सैलड के साथ। अगर आपको मेरी वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।